का लास्ट पॉइंट है, यहाँ जाने के बाद स्टॉप कर दिया है। ऐसे ऐसा नहीं लग रहा यहाँ से जाके राम सेतु टाइप का बना रहे हो। गाइस फाइनली आज मैं लोकेशन के लिए निकल गया हूँ। एंड गाइस लोकेशन क्या रहेगी मैं वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं ट्रेन से समथिंग 23 से 24 घंटे का रास्ता कवर किया है। तो गाइस सीक्रेट रहेगा आपके लिए, एक सरप्राइज रहेगा कि आज व्यू क्या है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे ब्लॉग कुछ यूनिक तरीके से जाएँ, कुछ हटके जाएँ। एंड मैं मतलब हर रोज़ एक नया प्लेस एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। गाइस मेरे को एक्सप्लोर करने में इतना मज़ा आता है। मैं सोचता हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि आप नशा करते हो, आपको नशे की आदत पड़ गई है। भाई मेरे को एक्सप्लोर करने की आदत पड़ गई है। लोगों का ड्रिंक करना नशा है, मेरा एक्सप्लोर करना नशा है, मेरा ब्लॉगिंग नशा है, एंड मेरा ट्रैवलिंग नशा है। अपनी गाड़ी चल रही है बहुत तेज रफ्तार, सो गाइस फाइनली अपन लोग मुंबई सेंट्रल आ चुके हैं। एमपी से कोई भी आए, इंदौर या शिवपुरी कहीं से भी आओ, तो आप मुंबई सेंट्रल आओ। फिर यहाँ से कि आप लोग एक लोकल वाली पकड़ो, ये 10-20 रुपए लेंगी, यहाँ से कहीं भी चले जाओ। भाई ये बिल्डिंग कितनी पतली गई है और लंबी गई है यार, तो बहुत सही लग रही है यार। मेरे को ऐसा लग रहा है गिरना जाए, बट होता है अपन लोगों को लगता है, लेकिन यहाँ पर लोग रहते हैं ना उनको। मैं तो गिन नहीं रहा इसमें कितने सारे फ्लैट हैं, छोड़ो। बाकी व्यू देखो कितना प्यारा है। सो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ, वो नहीं बताने वाला। तो गाइस मिलते हैं अपनी फेवरेट लोकेशन पर। ये मैंने सेलेक्ट किए 3-4 लोकेशन, सारी चीज़ों के ब्लॉग देंगे। बाकी गाइस मुंबई में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, मतलब ठीक है यार, लेकिन टाइम वेस्ट तो बहुत ज़्यादा होता है भाई। एक लोकेशन पर पहुँचने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि और भी जो हॉन्टेड लोकेशन है, हॉन्टेड प्लेसेस हैं, वहाँ पे जाऊँ, बट वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि यार वहाँ पे जाने में बहुत रिस्क है और मैं अकेला पर पड़ जाता हूँ। कभी कभी कोई फ्रेंड वगैरह भी नहीं जाते साथ में, तो कुछ चीज़ें मेरे से छूट जाती हैं। कोई ना कहीं जितना मिलेगा उतना अपन करेंगे। ओके सो गाइस फाइनली मैं मरियन ड्राइव आ चुका हूँ, और यहाँ का व्यू आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा है, एकदम बहुत तगड़ा वाला, बहुत ज़्यादा तगड़ा है ना। वाओ इधर गिर जाऊँ मैं ऐसे करके ना रे। ओके सो गाइस मेरे को है ना बहुत ज़्यादा कर्बी लग रही ली। मैं क्या कल मेरे को ऐसा लगा कि रात में बारिश हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा ठंडक है लेकिन इतनी भी नहीं है, क्योंकि मैं गर्म कपड़े ले आया था, तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा ठंडक होगी बारिश की वजह से, बट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे उसमें सर्दियों में होता है ना ऐसा, इधर कुछ भी नहीं अभी कि सर्दियां आ गई हों, अभी इधर गर्मी भी है। तो मैं तो अपने एमपी के हिसाब से चलूँगा, मेरे को क्या पता मुंबई में ऐसा है। बट यार कैब से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को, क्योंकि इससे थोड़ा सा धूप आ रहा है और थोड़ा सा सही आ रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है। तो गाइस ये व्यू बहुत प्यारा। ओके सो गाइस आज भी मेरा सेकेंड डे है, बोले तो यहाँ पे आने का आज मेरा ये था कि बारिश हो गई है मुंबई में, तो शायद यहाँ पे ठंडक होएगी, बट और डबल ज़्यादा हो गई। तो वही बहुत लगे पड़े हैं, बहुत गर्मी है यार यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ की है। गाइस यहाँ पे भी मेरे को एक चीज़ देखने को मिल रही है, और आप लोग भी देखो। अपन लोग कह देते हैं कि मॉडल्स लोग, एक्टर्स लोग
उल्टे सीधे काम कर रही हैं, ऐसे है वो ड्रग्स वगैरह ये सब ले रही हैं। सारे लोग बोलना आसान है, मतलब बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन आप अपने आप को एक चीज़ देखो कि मैंने यहाँ पे इतना सारा लोग देखे हैं भाई, 90% लड़कियाँ अनफिट हैं, मतलब मोटी होती जा रही हैं बहुत ज़्यादा। अब सॉरी आप लोगों को बुरा लग रहा है, बट एक चीज़ कहूँगा मैं कि आप लोग मॉडल से सीखो, या फिर आप मुंबई में रह रहे हो इतने बड़े शहर में, तो आप लोगों को एक होना चाहिए कि हाँ यार है कुछ। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग लगातार कंटिन्यू 30 दिन भी ब्लॉगिंग करते हैं तो एक स्किल्स तैयार होती है। तो आप लोग भी इतने बड़े शहर में रह रहे हो और फिर भी आप लोग मोटापा दिख रहा है आपका, तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर उससे अच्छा तो कोई गांव का इंसान भी बहुत बेस्ट है। सो सही है गाइस, बस यही था मेरा आज का मोटिवेशनल। बाकी ज्ञान ज़्यादा देता नहीं हूँ क्योंकि आता है मेरे को बहुत बहुत तगड़ा वाला ज्ञान देना आता है गाइस। मरियन ड्राइव मतलब वहाँ से मैं शुरू किया, समथिंग 1.5 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। अब मेरे को पता नहीं आगे कितना क्या है, बट बहुत सही है आगे भी, एकदम बहुत मस्त वाला। बट व्यू आप लोग देख सकते हो पीछे कितना प्यारा दिख रहा है। मुझे लग रहा है पीछे का व्यू दिख नहीं रहा होगा ज़्यादा, तो मैं कुछ इसमें आईफोन के सूट लगा दूंगा, आईफोन में ज़्यादा ब्लर नहीं होता तो पीछे का व्यू भी दिख जाएगा। एंड अभी आता हूँ मैं जब दिखाऊंगा, हैंड मेरा काफ़ी दर्द करने लगा। बस गाइस इसका लास्ट व्यू आने वाला है, मैं उसको आपको दिखाने वाला हूँ। एकदम बहुत सही, तो बढ़िया है मुरली देवरा। सो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग कहाँ का देखना चाह रहे हो सब कुछ कर दो। ओके सो गाइस मैं इसका लास्ट पॉइंट का व्यू देने वाला हूँ। बस एंड में बहुत सारा चल लिया, वो भी इसका एंड कहाँ तक होता है मैं ये देखने आया था। बस वही देख के फिर अपन लोग रिटर्न होते हैं। बहुत सारा देख लिया एंड कुछ व्यू मैं इस साइड से भी दे लूँगा। उस साइड से थोड़ा सा कैमरा से एंगल सही नहीं आ रहा तो मैं नहीं किया उससे, बट ये इसका लास्ट पॉइंट है। एंड यहाँ से शायद खत्म गई से थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि ये राम सेतु सा ब्रिज का टाइप का बना हो कि बीचों बीच बना रहे हो। ले भाई सही है, सो बढ़िया है। सो गाइस ये इसका लास्ट पॉइंट, यहाँ पे आके यहाँ से अंदर जाना अलाउड नहीं है, यहाँ स्टॉप। सो सही है, बाकी व्यू तो आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा है। थोड़ा सा मैं लास्ट पॉइंट पे जाके आप लोगों को सिनेमैटिक शूट टाइप के और दे देता हूँ। सो बढ़िया है। ओके सो गाइस ये मरीन ड्राइव का लास्ट पॉइंट है, जहाँ जाने के बाद स्टॉप कर दिया है। गाइस ऐसा नहीं लग रहा यहाँ से जाके राम सेतु टाइप का बना रहे हो कि ये पत्थर ये तैर नहीं रहे, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा मतलब बोलना भी चाहिए इंसान को कि हाँ यार रे ऐसा बना रहे हैं, मेरे को लग रहा है बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम एग्जैक्ट राम सेतु टाइप का लग रहा है। बाकी सब सही है, बस चल रहे हैं। सो गाइस व्यू तो आप लोगों को दिख रहा है कितना प्यारा है, बहुत तगड़ा वाला भाई, बहुत तगड़ा। एकदम मैं जूम करके और दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से इसका पूरा लास्ट पॉइंट है। मैं गिर ना जाऊँ भाई, बहुत तगड़ा व्यू है, बहुत तगड़ा एकदम। धूप में कैमरा क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी आती है ऐसा है, कभी इस पर अंदर भी जाके दिखाएंगे बस। ओके सो गाइस लास्ट पॉइंट पे आके कैमरे का बैटरी डेड, गाइस लास्ट पॉइंट पे आके कैमरे का बैटरी डेड हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, मतलब मैं इसको चार्ज करके लाया था बट पता नहीं शायद चालू रह गया। कभी कभी क्या होता है कैमरा मैं भूल जाता हूँ, कैमरा चालू करके रख देता हूँ तो बैटरी डेड हो जाती है। अभी इसका कितना शूट किया है मैंने, समथिंग शायद 1-2 शॉट लिए हैं, अब डेड हो गया यार, यही तो प्रॉब्लम होती है। चलो कोई ना, आईफोन से भी शूट कर सकते हैं अपन लोग, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है तो लोगों की वॉइस थोड़ी कम आएगी, अपनी ज़्यादा आएगी। बट यार इसकी कभी कभी बैटरी डेड हो जाती है ना, मेरे को बहुत गंदा लगता है, एकदम ट्रस्ट टूट जाता है। अभी भी थोड़ा सा कर सकता हूँ इसे शूट, बट मैं सोच रहा था कोई दूसरी लोकेशन पर जाऊँ, बट क्या कर सकते हैं। कोई ना गाइस आप लोग व्यू देख सकते हो, बहुत प्यारा व्यू है, बोटिंग वोटिंग उधर है, बस ठीक है। गाइस आप लोग मेरे को एक चीज़ बताना कि मेरे पास एक 12 प्रो है और एक कैमरा है, तो अब मैं 12 प्रो से शूट कर रहा हूँ, पहले मैं कैमरे से शूट कर रहा था। सो गाइस मतलब
कैमरा बेस्ट है या पहल प्रो बेस्ट है, वॉइस से लेके सारी चीज़ें मेरे को आप लोगों को बताना है। फिर मैं शायद मतलब थोड़ा सा ट्राई करूँगा कि मैं फ़ोन से भी शूट करूँ, कहीं कहीं कैमरा अलाउ नहीं रहता, सो वो सही है। और गाइस और चीज़ें भी आप लोग बता सकते हो कि मैं लोगों के साथ प्रैंक करूँ या लोगों के साथ थोड़ा सा कुछ उल्टा पुल्टा करूँ जो बाकी लोग करते हैं। वैसे मेरे को लिटरली वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यार देखो किसी से परमिशन लेके कुछ चीज़ें करना चाहिए तो वो सही लगता है, और मेरे घर वालों को भी बिल्कुल पसंद नहीं है, सो मैं नहीं करता, क्या दिक्कत है। ओके सो गाइस व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया था, बट मैंने सोचा कि यहाँ पे लोग बाग कम होंगे इसलिए मैं सुबह आ गया, मतलब 11 बज रहा भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट यहाँ पे हमेशा लोग बाग रहते हैं, एकदम बढ़िया। यहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं, एकदम बढ़िया था, तो कोई ना सही है। बट कुछ भी कहो मेरे को थोड़ा सा कुछ चीज़ें सही नहीं लगती, एंड वो आप लोगों को मैंने डिस्कस कर दिया। गाइस आप लोगों को प्योर फोमो बताना है, पहले मैं शूट कर रहा था वो कैमरे से शूट कर रहा था, अभी मैं 12 प्रो से शूट कर रहा हूँ, सो किसकी क्वालिटी बेस्ट है, किसकी वॉइस बेस्ट है, सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे को बताना है। फिर मैं ट्राई करूँगा कि आईफोन से भी कभी शूट कर लिया करूँगा, क्योंकि इसकी कभी कभी बैटरी डेड हो जाती है, चार्जिंग पर नहीं लगा पाते, और कभी कभी गलती से ये चालू हो जाता है, ऐसे बैग में रखा है तो चालू हो गया, आज भी ये चालू हो गया तो डेड हो गया, और वो गुस्सा बहुत आ रहा है, बट गलती मेरी है ना, कभी कभी मैं खुद से चालू छोड़ देता हूँ, मेरा माइंड कुछ ऐसा ही है यार, पता नहीं कैसा है, कभी चलता तो बहुत प्यारा चलेगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन कभी कभी तो बहुत जल्दी भूल जाता हूँ मैं चीज़ों को, फिर सही है, बट लॉयल लोगों को कभी नहीं भूलता, ये मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट रहा है, तो कोई ना। बाकी गाइस आप लोग व्यू देख सकते हो, कैमरे से थोड़ा अच्छा व्यू आ रहा था, फ़ोन से थोड़ा सा कम आएगा, कुछ लोगों को तो आईफोन का व्यू अच्छा लगता है, कैमरे का शायद इतना अच्छा नहीं लगता हूँ। मैंने मेरे दोस्त वगैरह बोलते हैं कि आईफोन से शूट किया करो, भाई सब लोग करते हैं, सारे लोग करते हैं, उनका नहीं भाई मेरे को नहीं करना सारे लोगों को जैसे काम, अभी मैं यहाँ से जाऊँ और लड़कियों को हैंडशेक में कुछ दे दूँ ऐसा वैसा, तो फिर वो कंटेंट नहीं है भाई, वो सिर्फ तुम पब्लिक को यूज़ करके पैसे कमा रहे हो, वो थोड़ा सा सही नहीं है, बट क्या ही दिक्कत है। गाइस थोड़ा सा व्यू अच्छा हो गया,